5 मीटर का है। ये भी सभी हाथ का काम है, सारा हैंडमेड होता है, सारा हैंडमेड है, हाथ से बना। कहाँ से आए? मैं गुजरात से हूँ, आदिवासी हूँ, आदिवासी कला को लेकर यहाँ पर आई हूँ। सबसे पहले मैम आपका बहुत वेलकम है दिल्ली के अंदर। थैंक यू। और ये बद्री घी है और ये आपका एटू का भी है। अच्छा, जो बेसिकली भी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं? मैं हरिद्वार से। ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं इसको, हम सीधे से वर्क करते हैं। सप्लाई किस तरीके से आती है इलेक्ट्रिसिटी? तो गाइस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज और बताया था आपको, जब आप यहाँ पर आएंगे तो टिकट तो आपका ऑनलाइन मिल जाएगी और ऑफलाइन मेजर मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ पे मिल ही जाएंगे। टिकट की प्राइस बताया था मैं आपको, जैसे कि अभी 14 से मेला स्टार्ट होने के बाद में 27 तक चलेगा आपका, और 14 से लेकर के 18 तक बिजनेस डे में आपकी 500 की यहाँ पे ईच टिकट होगी, ठीक है। साथ ही साथ आप 14 के बाद जब आएंगे और 18 को से जब स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मल मेला जब स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे जो टिकट होगी वो आपकी 80 रुपए की हो जाएगी वीकडेज में, और वीकेंड में ये टिकट आपकी 150 की हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेना टिकट कैसे बुक करना है, कैसे कैसे क्या करना है। ओके, देखते हैं इसके लिए। जी बताइए क्या क्या प्रोडक्ट लेकर के हैं, कुछ जहमत बताइए। हम गुजरात से है, गर्मी गुजरी की तरफ से, अहमदाबाद से। ओके। हमारा हैंडवर्क का काम है, सभी हाथ का काम है। ये ब्लाउज पीस है। ओके। ये सभी हाथ का काम है। ये मीटर एक आएगा, 1 मीटर में होगा, वन मीटर है ये। ओके। ये ब्लाउज है। ओके। और ये दुपट्टा भी है हमारे पास, A2। ओके। और ये कुर्ती का फैब्रिक है, इसमें देखिए ये हमारा पीकॉक है, दिखा दीजिए। ओके, देखिए पास से देख दी, देखिए इसकी फैब्रिक काफी अच्छी है और ये हैंडमेड होगा पूरा। हाँ, हैंडमेड है पूरा। खोल के देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, पूरा पूरा पीकॉक है ये। क्या बात है, 3 मीटर फैब्रिक आएगा, एक कुर्ती का है, साटिन कॉटन है ये। ओके ओके, तो मैम आपके पास में स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? 2200 से। और कहाँ तक जाते हैं प्राइजेस, कहाँ तक हाई प्राइजेस जाते हैं आपके पास में? हाई प्राइजेस का ये बनाने में 15-20 दिन लगता है। ओके, मतलब 2200 से स्टार्टिंग होकर के आप कहाँ तक जाता है आपका? 3500 तक में आपका सब चीज आ जाती है। और ये हमारा मिरर वर्क, ये मिरर वर्क हो जाएगा आपका, ये ओके ओके, ये रियल ग्लास है। रियल ग्लास है और सभी ये हाथ से बना हुआ है। क्या बात है, सभी ये हाथ से बना हुआ है, तब तक ये निकलेगा नहीं हमारी गारंटी। ओके ओके, क्या बात है, जब तक ये कपड़ा फटेगा नहीं तब तक इसमें से निकलना नहीं है। मेरे अंदर में 45 लेडीज काम करती हैं। ओके, सब हैंडमेड से आराम से घरों में बनाते हैं, मतलब 45 लेडीज को आपने रोजगार दिया हुआ है। क्या बात है, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। है जी, वो आदिवासी हमारी जो परंपरा है वही डिजाइन है और हम परंपरा को जारी करना चाहते हैं, तो ही हम सब नेकलेस लेके आए हैं। उसके साथ में हमारे साथ में ब्रेसलेट भी है, एंकलेट भी है, वो चश्मे में लगाने वाली डोरी भी है। नया आइटम जो है हमारा ये जो है, दिखाइए नया आइटम, दिखा दीजिए। शीट ज्वेलरी है, शीट ज्वेलरी, ये मैम दिखा रही है, ये चंदन के शीड है, ये कमलगट्टा है और ये कांच का के शीड है। उसको हम फॉरेस्ट जंगल से कलेक्ट करने के बाद इसको बनाते हैं। इसको इसको बनाने में मेहनत तो काफी लगती होगी ना? ये लेकर आए हैं। ओके। इस तरह से हम फली इकट्ठा करते हैं और ये रत्ती का फली है। ओके, तो उसको मैं बनाने में तो काफी मेहनत लगती होगी ना? काफी मेहनत लगती है। तो ये हैंडमेड होते हैं फैक्ट्री? इसको पूरा मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, आप खुद बनाते हैं? क्या बनाती हूँ, हम पुरानी जो डिजाइन है रिवाइव करना चाहते हैं। अगर हमारे पास पुरानी आइटम नहीं होती है तो हम पुराने फोटोग्राफ लेकर उसको ड्राइंग ग्राफ पेपर के ऊपर ये ड्रॉ करते हैं। ये जो डिजाइन है इसमें हमने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ किया है, उसके बाद में हम बनाते हैं और हम आदिवासी महिलाओं के साथ में काम करने के बाद उनको रोजी रोटी भी देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइस मैं बता दूं आपको, आप इस कला को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये विलुप्त नहीं होनी चाहिए, ये चलता रहना चाहिए। आदिवासी कला है और इसको आगे बढ़ाते रहिए, इससे बहुत सारे लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी हम भैया के एक स्टॉल पर आ रखे हैं, तो भैया क्या क्या प्रोडक्ट लेकर के आए हैं? जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिक जैगरी, ओके, खांड, ओके, शक्कर है, शक्कर, ओके जी, ये शक्कर है हमारे पास और ये है बूरा। ओके, शक्कर और बूरा जी।
जी। और जैसे कि हनी है, ये हमारा अजवाइन हनी है। अजवाइन हनी, अजवाइन हनी भैया, इसका प्राइस बताएंगे थोड़ा सा? प्राइस का आपके ये कितना है? 399 250 का है भैया। अच्छा, डिस्काउंट रहेगा आपका यहाँ पे? जी, क्या बात है। सभी का ये अलग अलग, ये जैसे फॉरेस्ट हनी है जंगल, ओके, और ये हमारा ऑर्गेनिक हनी है। ऑर्गेनिक हनी है जी। थोड़ा एक्सपेंसिव होता होगा लेकिन बहुत अच्छा होता होगा। बहुत अच्छा है लीची हनी। जैसे कि हमारे क्या होता है ना, लीची के पेड़ होते हैं ना, वहाँ पर बॉक्स लगे हुए होते हैं, ओके, वहाँ पर हम बॉक्स लगवाते हैं, उससे मधुमक्खी कलेक्ट करते हैं हनी। ओके, पूरे ऑर्गेनिक तरीके से आपने, और ये यूकेलिप्टस हनी है हमारा। क्या बात है। ये वन तुलसी हनी है, तुलसी जो पौधे होते हैं उससे कलेक्ट करते हैं मधुमक्खी। ओके, और ये कोरिएंडर हनी है। ओके, और जैसे कि ये आप अकाशी हनी, ये बबूल होते हैं ना, ये अकाशी है। जी जी, ये हमारा काउगी, पहाड़ी काउगी है। ओके, हरिद्वार से रहने वाला मैं, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा यूपी से हूँ। ओके, और जॉब करता हूँ यहाँ पर, ओनली एंड सोली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। क्या बात है। तो भैया हरिद्वार से हैं सबसे पहले, तो भैया आपका वेलकम है यहाँ पे। जी थैंक यू। तो भैया ये कार्ड है आपका? जी जी, इससे कांटेक्ट कर सकते हैं कस्टमर आपको ना। तो व्यूअर्स आप इसको देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, भैया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया का ये पैम्पलेट है, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है। जैसे कि हमारे पास लेमन, ये हमारे पास लेमन जूस भी है जो हमारे खुद की खेती है। ओके, वो हम उनसे कलेक्ट करके खुद अपने प्योर बनाते हैं। प्योर खुद बनाते हैं लेमन जूस। तो दोस्तों ये लेमन जूस मिल जाएगा। भैया ये इसका क्या प्राइस होगा थोड़ा सा? एक्चुअली मैं प्राइस आपसे पूछ रहा हूँ, कस्टमर्स पूछते हैं। जी जी, इसका प्राइस होगा सर आपका ये 175 रुपीज का ये मिल जाएगा आपको। और ये आपका है 1 लीटर में। ओके, हाँ, ये आपका है 250 का ये प्योर आपका लेमन जूस मिल जाएगा। जी सर, क्या बात है। और ये मस्टर्ड ऑयल है, येलो मस्टर्ड ऑयल जो कच्ची घानी होती है। जी जी जी, जो ये वो है, ये ब्लैक मस्टर्ड ऑयल। जी जी, क्या बात, कोल्ड प्रेस्ड है। कोल्ड प्रेस्ड, थैंक यू सो मच भैया। ट्रेड फेयर 2024 के अंदर ना बहुत सारी चीजों का खास ख्याल रखा गया है। जैसे कि आपको हर हॉल के अंदर मैंने ज्यादा देखा है फर्स्ट एड, जो चिकित्सा होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ फर्स्ट एड का, और अगर कोई परेशानी कुछ इमरजेंसी होती है तो फर्स्ट एड में आपका इलाज आराम से यहाँ पे हो जाएगा। पूरा स्टोरी देखने को मिल जाएगा। अजी पावर सप्लाई और ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कैसे कैसे क्या क्या काम होता है बिल्डिंग्स में, कैसे सब पावर सप्लाई आती है, ये इसका डेमो है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आज जो है 60,000 कंज्यूमर्स, एक बार जरा पूरा डेमो दिखा दीजिए इसका। ये नए नए प्रोजेक्ट है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे आज। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उसके बारे में बता रही है किस तरीके के प्रोजेक्ट हैं, क्या करने वाले हैं, सारा फ्यूचर में क्या होगा। और ये एक डेमो है, इस डेमो के जरिए समझ सकते हैं आप कि क्या क्या किया जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कितनी अच्छी पिक्चर दिखा रखी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और साथ ही साथ जो मॉडल है वो 3D मॉडल के अंदर तो माइंड ब्लोइंग है, इसके बारे में तो आपको बता ही नहीं सकता कि क्या है ये। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये प्रोजेक्ट का नाम है, ये बनारस का जो है IPDS प्रोजेक्ट है। अजी आगे दिखाते हो, पूरा प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। दिखा दीजिए सलोन भाई जरा सही से, ठीक से। ये पूरा पावर ग्रिड कैसे काम करता है, ये जो है NTPS PC नेटवर्क का जो है पावर हाउस है, जिसमें दिखा रखा है किस तरीके से पावर वर्क करती है, सप्लाई किस तरीके से आती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किस तरीके से होती है, पूरा 3D मॉडल समझा रखा है। और इन्होंने दिखा रखा है कि हमारे प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करते हैं, और बहुत कुछ है इसके अंदर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं इसको, हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है सभी को, ताकि जो है आगे हमारे एनवायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे ले लो, बोलो, एक प्रोजेक्ट ये मिल जाएगा आपको देखने को। ये डेमो मिल जाएगा आपको एक, ये एंड लास्ट डिटेल्स ऑफ पावर ऑफ हाउस। ये पूरा पावर हाउस है इसका डेमो। आगे बढ़ो।